आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषेक है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। Pastor Zion, transforming lives through the word of God. Worth listening. यीशु के सुंदर भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर समय में जिसे हम कहते हैं आओ बढ़े, जहाँ हम परमेश्वर के वचन, उसके ज्ञान, उसकी योजना में बढ़ाए जाते हैं हमारे परमेश्वर के जन पास्टर ज़ायन के द्वारा। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और हमारे प्रोग्राम के द्वारा परमेश्वर ने आपके जीवन को छुआ है तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें और अपनी गवाहियां हमारे साथ बांटें। प्रेज द लॉर्ड। आइए अब हम हर एक डिस्ट्रैक्शन को दूर हटा के अपना ध्यान स्क्रीन की ओर लगाते हैं और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं। आइए बढ़ते हैं। Praise the Lord! Hallelujah. Praise God! धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम के लिए, तेरी सुंदरता के लिए, तेरे विश्वसनीयता के लिए। और इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ हर उस भाई और उस बहन के लिए जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और जिन्होंने अपना विश्वास इस वक्त हमारे साथ जोड़ा हुआ है। तेरा वचन इन तक पहुंचता है, अनुग्रह को लेकर पहुंचता है और इनका जीवन पहले जैसे नहीं रहता। धन्यवाद देते हैं तुझे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं आप सबको इस बहुत ही खास और आशीषित प्रोग्राम आओ बढ़े में स्वागत करता हूँ। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के ऊपर हम बात करेंगे। एंड आज मैं बात करूँगा किस तरीके से हम अपने आप को परमेश्वर के लिए खोल सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है सिर्फ टॉपिक से आप ना समझने पाओ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसलिए कुछ वर्सेस मैं आपके सामने रखूँगा। कुछ हम बाइबल रीडिंग करेंगे, उसके बाद मैं आपको इस विषय में गहराइयों में ले जाऊँगा। परंतु एक बात बताना चाहता हूँ, आज का जो वचन है वो बहुत ही प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल का मतलब क्या है? इसको हम अपने जीवन में इमीडिएटली लागू कर सकते हैं और इसका जो बेनिफिट है, इसका जो लाभ है अपने जीवन में इमीडिएटली तुरंत पा सकते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम प्रैक्टिकली परमेश्वर के वचन को जानें, सीखें और अपने जीवनों में आगे बढ़ें। सबसे पहले मैं प्रोवर्ब्स की पुस्तक 3 चैप्टर और 4th and 5th वर्स को पढ़ूंगा। वर्स 4, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 4, ये कहते हैं, सो शैल दाउ फाइंड फेवर एंड गुड अंडरस्टैंडिंग इन साइट ऑफ गॉड एंड मैन। अरे फिर तुम परमेश्वर का और मनुष्य के नज़रों में अनुग्रह और पक्ष पाओगे, मतलब लोग तुम्हें फेवर करेंगे, लोग तुम्हें समझेंगे। यू नो, ये एक अलग तरीके का अनुग्रह है जब हर कोई आपका साथ देता है।
और ये कह रहा है कि तब ये होगा. एंड देन वर्स 5 में कहता है ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल दाइन हार्ट, अपने पूरे हृदय के साथ प्रभु पे भरोसा करो. एंड लीन नॉट ऑन टू दाइन ओन अंडरस्टैंडिंग, और अपने खुद की समझ के ऊपर भरोसा मत करो. परमेश्वर के ऊपर पूरे तरीके से भरोसा करो और अपने खुद के समझ के ऊपर भरोसा ना करो. वाओ, यू नो, जब पवित्र शास्त्र लिखा गया था, पवित्र आत्मा के इंस्पिरेशन से लिखा गया था, और चैप्टर और वर्स में बटे हुए नहीं थे, और बाद में पवित्र आत्मा के ही अगुवाई के द्वारा इनको चैप्टर और वर्सेस में बांटा गया ताकि हम और बेहतर तरीके से इसका अध्ययन कर पाए. लेकिन दो वर्स जब एक साथ इस तरीके से होते हैं, मतलब वो जुड़ा हुआ है. ये कहता है कि प्रभु पे पूरे हृदय के साथ भरोसा करो और अपने समझ के ऊपर मत भरोसा करो. और उसी के पहले कहता है कि तुम मनुष्य और परमेश्वर के नज़रों में पक्ष पाओगे, परमेश्वर तुम्हारे पक्ष में होगा और लोग तुम्हारे पक्ष में होंगे, लोग तुम्हें समझेंगे, तुम्हारा साथ देंगे. प्रेज गॉड, ये बहुत बड़ा अनुग्रह है. ओके, नेक्स्ट मैं आपको लेके जाऊंगा नए नियम से, रोमियो की पुस्तक 8:7. ये कहता है बिकॉज द कार्नल माइंड इज एनिमिटी अगेंस्ट गॉड, फॉर इट इज नॉट सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ गॉड, नाइदर इंडीड कैन बी. कहता है कि शारीरिक दिमाग परमेश्वर से बैर रखना है, ये परमेश्वर के तरीकों के सामने झुकता नहीं है, मतलब परमेश्वर के रास्तों में, परमेश्वर के तरीकों में वो अधीन नहीं है. नादर इंडीड कैन बी. प्रेज गॉड, वो दिमाग जो शारीरिक चीज़ों के ऊपर बना हुआ है, शारीरिक दिमाग, अंग्रेजी में लिखा है कर्नल माइंड, कुछ और ट्रांसलेशंस देखेंगे उसमें और एलैबोरेट करके लिखा है अ माइंड सेट ऑन द फ्लैश, एक दिमाग जो शारीरिक चीज़ों के प्रति झुका हुआ है, मतलब वो दिमाग जो शारीरिक चीज़ों को ध्यान देता है. प्रेज गॉड. एक घटना हुई पुराने समय में, एक राजा को अलग अलग दिशा से घेर लिया गया, और उसी के बीच में परमेश्वर की भविष्यवाणी आई कि तुम जाओ और अपने सेना के सामने वर्शिपर्स को खड़े कर दो. और वो वर्शिप करते हुए आगे बढ़े, और जब वो उस स्थान में पहुँचे जहाँ पे परमेश्वर ने कहा था वहाँ पे जाना है, तब उन्होंने देखा कि बाकी सारी सेना ने अपने आप को ही ख़त्म कर दिया. वहाँ पे गए और उन्होंने बहुत सारा धन सामग्री बटोरी. अगर वो राजा शारीरिक चीज़ों के ऊपर मन लगाता, वो कहते कि नहीं नहीं सामने तो हमें तलवार वालों को रखना चाहिए, या तो हमें हाथियों को रखना चाहिए, या तो हमें तीर चलाने वालों को रखना चाहिए. उसने ऐसा नहीं किया, उसने परमेश्वर पर भरोसा किया, परमेश्वर की भविष्यवाणी पर भरोसा किया. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. यू नो, हम जब मसीह में नए जन्मे हैं, परमेश्वर के साथ हमारा एक नया रिश्ता है, हम परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर से जन्मे हैं, परंतु इसी के साथ साथ परमेश्वर ने अपनी आत्मा से हमें जन्मा है, हम उसकी आत्मा के साथ एक हो गए हैं. और ये बहुत ही महिमामय बात है कि परमेश्वर की आत्मा से हम जन्मे हैं,
परंतु उसकी आत्मा हमारे साथ भी है, सहायक की तरह. एंड आई विल शो यू समथिंग. योहन्ना की पुस्तक 16:13 कुछ कहता है. योहन्ना की पुस्तक नए नियम में चैप्टर 16 वर्स 13, और ये ऐसे है. हाउ बेथ व्हेन ही द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ इज कम, परंतु जब वो जो सच्चाई की आत्मा है वो आएगी, ही विल गाइड यू इनटू ऑल ट्रूथ, वो तुम्हें हर एक सच्चाई में गाइड करेगी. फॉर ही शैल नॉट स्पीक ऑफ हिमसेल्फ बट व्हाटसोएवर ही शैल हियर दैट शैल ही स्पीक एंड ही विल शो यू थिंग्स टू कम. प्रेज गॉड. वो कहते हैं कि पवित्र आत्मा जब आएगी वो हर उस चीज को तुम्हें बताएगी, समझाएगी जो सही है, जो सत्य है. आने वाले समय के बारे में भी तुम्हें गाइड करेगी, दिखाएगी कि क्या चीज़ें होने वाली हैं. वो खुद से कुछ नहीं कहेगी, जो पिता कह रहा है वही वो कहेगी. प्रेज गॉड. अब इन तीन वर्सेस को अगर हम एक साथ देखें, अगर तीन वर्सेस को हम एक साथ रखें, एक चीज़ बहुत ही सिमिलर है. पहले हमने देखा कि शरीर के ऊपर ध्यान मत लगाओ, एक दिमाग जो शरीर के ऊपर ध्यान लगाता है परमेश्वर के तरीकों में नहीं चल सकता. दूसरे में देखा कि परमेश्वर के ऊपर पूरे हृदय से विश्वास करो, भरोसा करो, अपने खुद के दिमाग पर भरोसा नहीं करो. एंड देन हम देख रहे हैं कि वो पवित्र आत्मा के बारे में कह रहा है कि जब पवित्र आत्मा आएगी वो हर एक सच्चाई में हमें आगे बढ़ाएगी, हर एक सच्ची चीज़ हमें बताएगी, हमें गाइड करेगी. यहाँ पे हम देख पाते हैं इन तीनों वर्सेस में कि परमेश्वर कह रहा है मेरी सुनो, मेरी सुनो. पहले कहता है क्योंकि शरीर की ना सुनो, शारीरिक चीज़ों की ना सुनो. इस पृथ्वी में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी सुंदर चीज़ें हैं, परंतु उन सारी चीज़ों के बीच अंधकार की चीज़ें भी हैं, और सुंदर और बुरी चीज़ों के बीच में परमेश्वर ने अपने आप को स्थापित किया है. परमेश्वर की आवाज़ है उसके बीच में जिसको हम सुन सकते हैं. परमेश्वर सदैव अपने बच्चों से बात करता है, सदैव अपने बच्चों से बात करता है. एक बात जो मैंने इन कई वर्षों में सीखी जानी वो ये है कि पवित्र आत्मा इतनी सच्ची है, पवित्र आत्मा का सच इतना रियल है. मतलब पवित्र आत्मा सदैव मेरे साथ है, हम सब के साथ है. उसका पक्ष, उसका प्रेम रियल है. यू नो, बहुत बार हम जब इस तरीके के सर्मन्स सुनते हैं, इस तरीके का प्रचार सुनते हैं, बहुत से लोग इस तरीके से कहेंगे कि परमेश्वर मैं कैसे परमेश्वर की सॉरी पास्टर हम परमेश्वर की आवाज़ कैसे सुने, मुझे किस तरीके से परमेश्वर का गाइडेंस मिल सकता है, मैं किस तरीके से परमेश्वर को सुन सकता हूँ, मैं भी सुनना चाहता हूँ परमेश्वर मेरे लिए क्या रखता है. मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर की आवाज़ों को सुनना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है. परमेश्वर अपने बच्चों से बात करता है. एक चीज़ जो आपको बस करनी है वो है अपने आप को खोलना है, अपने आप को ओपन करना है. प्रेज गॉड. परमेश्वर की उपस्थिति सदैव हमारे साथ है. अगर हम मसीह यीशु में हैं, अगर यीशु हमारे जीवन का प्रभु है और हम मानते हैं कि यीशु मेरे जीवन का प्रभु है, तो हम परमेश्वर के हैं,
हम परमेश्वर के हैं। हम इस पृथ्वी में हैं परंतु हम परमेश्वर के हैं, परमेश्वर के संतान हैं, और परमेश्वर सदैव हमसे कुछ ना कुछ कह रहा है, वो सदैव हमसे बात कर रहा है। सिर्फ इस बात की देरी है कि हम अपने आप को किस तरीके से खोलें, हम अपने आप को किस तरीके से ओपन करें। योहन्ना की पुस्तक से मैं देखूंगा, दिखाऊंगा चैप्टर 10 एंड वर्स 27 एंड यीशु कह रहे हैं, माय शीप हियर माय वॉइस एंड आई नो देम दे फॉलो मी। कहते मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती हैं। माय शीप हियर माय वॉइस, ये नहीं कह रहा कि शीप मेरी बात को सुनो, वो जनरली कह रही कि मेरी भेड़ मेरी बातों को सुनती हैं। एंड आई नो देम, यीशु कह रहा था कि मैं उनको जानता हूँ, मैं उनको जानता हूँ, मैं उनको जानता हूँ। प्रेज गॉड एंड दे फॉलो मी, और वो मेरे अगुवाई में चलते हैं। क्या आप प्रभु यीशु मसीह को अपना चरवाहा मानते हैं? क्या इस बारे में आपने सोचा है कि वाकई में परमेश्वर आपके जीवन का चरवाहा है? चरवाहा कौन होता है? जो अपने भेड़ों को अच्छी जगह में ले जाता है, भेड़ों का ध्यान रखता है। एक अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों का नुकसान नहीं होने देता, जान पर खेल कर अपने भेड़ों को बचाए रखता है। या और यीशु हमारा चरवाहा है। चर्च में एक बहुत प्रसिद्ध गाना है, यहोवा चरवाहा मेरा। यस, परमेश्वर हमारे जीवन का चरवाहा है। यहाँ पे यीशु कह रहे कि माय शीप हियर माय वॉइस, मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती हैं। किस तरीके से हम वो भेड़ हो सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुने? बहुत ही सरल है, अपने आप को हमें खोलना है। अब आप कहेंगे, पास्टर जी अपने आप को कैसे खोलें? सबसे पहली बात जो हमने एक रोमियो से पढ़ी कि वो दिमाग जो शारीरिक चीज़ों के ऊपर स्थिर है, वो परमेश्वर के तरीकों को नहीं समझ सकती। उसके बाद हमने पढ़ा कि अपने बुद्धिमता पर ध्यान मत दो। मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की आवाज़ रियल है, बहुत ही रियल है, लेकिन इस बात की देरी है कि हम अपने आप को परमेश्वर के सामने खोलें। किस प्रकार से खोलेंगे? बाकी चीज़ों के प्रति, जिन चीज़ों के प्रति हमने अपने आप को खोला हुआ है, उन चीज़ों को बंद करके, उन रास्तों को बंद करके। प्रेज गॉड। ना बहुत बार ऐसा होता है कि एक एडवर्टाइजमेंट आता है, वो एडवर्टाइजमेंट इतना लोभ देता है कि एक व्यक्ति सोचता है कि नहीं चलो भाई, ये अभी ऑफर चल रहा है, इमीडिएटली ये चीज़ें ले लो। कभी होता है कि कोई एक व्यक्ति अपने पड़ोसी को देखता है और उसे जलन होती है कि इसने एक नई गाड़ी खरीद ली, मेरे को भी एक नई गाड़ी खरीदना, उसने वो फ्रिज खरीद लिया, मेरे को भी वो चीज़ करनी है, इसने यहाँ पर जॉब लिया, मेरे को भी यहाँ पर करना है, वो विदेश चला गया, मेरे को भी विदेश जाना है। ज़रा रुकिए, ध्यान दीजिए, क्या आप जानते हो परमेश्वर के पास आपके लिए प्लान्स हैं? परमेश्वर के पास आपके लिए प्लान्स हैं, आपके साथ प्लान्स हैं। He has it for you, और उसके प्लान्स आपके लिए बेस्ट हैं। जरमाया की पुस्तक से एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। जरमाया की पुस्तक चैप्टर 33 वर्स 3, ये कहते हैं कि कौन
कॉल ऑन टू मी एंड आई विल आंसर दी। पर ईश्वर कह रहा है कि मेरे को बुलाओ और मैं जवाब दूंगा। एंड शू दी ग्रेट एंड माइटी थिंग्स विच दाउ नोएस्ट नॉट, वैसी चीजें दिखाऊंगा जो तुम जानते भी नहीं हो। तो बुलाओ बुलाओ, मैं जवाब दूंगा। कॉल, क्या हम कहेंगे प्रभु यीशु मसीह मैं बुला रहा हूं तुमको, जवाब दो। व्हाट डज इट मीन कॉल? कॉल का मतलब है जवाब, मतलब पुकारना। परंतु इसका और एक मतलब है करीब जाना, अप्रोच करना। प्रेज गॉड। अब एक बात होती है सिर्फ मुंह से बोल देना प्रभु मैं तेरे पास आ रहा हूं, और एक होता है हृदय से अपने आप को प्रभु के पास लाना, पूरे मन पूरी आत्मा से अपने आप को प्रभु के पास लाना कि प्रभु मैं तेरा हूं, प्रभु मैं तेरा हूं, मेरे को चला, सिर्फ तेरी चीजें मेरे को हिला सकती है, सिर्फ तेरी चीजें मुझे चला सकती है। मैं इस दुनिया के सामने अपने आप को बंद करता हूँ और मैं अपने आप को तेरे सामने खोलता हूँ। तू मेरे जीवन का चरवाहा है, मैं तेरी आवाज़ को पहचानना चाहता हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ। प्रेज गॉड। जब आप इस तरीके से परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, परमेश्वर के करीब जाएंगे, आत्मा के आभास के द्वारा आप समझेंगे कि क्या परमेश्वर से है और क्या परमेश्वर से नहीं है, क्या चीज़ें परमेश्वर से हैं, परमेश्वर की ओर से हैं, क्या नहीं है। और धीरे धीरे आप ये भी समझना शुरू कर देंगे कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है। परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है, उसके अंदर परमेश्वर की प्रेरणा है। परमेश्वर ने अपने देह को इस तरीके से बनाया है कि हर एक का एक अलग स्थान है। परमेश्वर ने हमें अपने कलीसिया से जोड़ा है, हमारे जीवन में उपहार दिए हैं, किसी को पास्टर, किसी को प्रॉफेट, किसी को इवेंजेलिस्ट के रूप में आपके जीवन में भेजा गया है। परमेश्वर के तरीके अनेक हैं, परंतु परमेश्वर एक और रियल है। परमेश्वर रियल है, उसकी आवाज़ रियल है। सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, वो क्या है कि आप अपने आप को खोलें, आप अपने आप को आत्मा से हृदय से पूरे मन से खोलें। प्रेज गॉड। मती की पुस्तक चैप्टर 7 वर्स 27 और ये कहता है, प्रेज गॉड, ओके, वर्स 24 एंड 26 27 ये कहता है, Wherefore whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken unto him unto a wise man which built his house upon a rock. Verse 25, And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. And everyone that heareth these sayings of mine and doeth them not shall be likened unto a foolish man which buildeth his house upon the sand. And the rain descended, and the floods come, and the winds blew and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it. हर एक व्यक्ति जो मेरी आवाज़ को सुनता है और करता है, उस बुद्धिमान व्यक्ति के तरीके से है,
उस बुद्धिमान व्यक्ति की तरह है जिसने अपने घर को चट्टान के ऊपर बनाया। आंधी तूफान आए, टकराए, गिरा नहीं, परंतु हर एक व्यक्ति जिसने मेरी आवाज सुनी और उसको माना नहीं, उस मूर्ख की तरह था जिसने क्या किया, अपना घर रेत के ऊपर बनाया। आंधी तूफान में वो गिर गया और उसका विनाश एक महाविनाश था। ये रेत क्या है? रेत खुद की धारणाएं हैं। और चट्टान क्या है? चट्टान परमेश्वर की आवाज़ है। मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि आप अपने जीवन में सुंदरता को आजमाइए, आप अपने जीवन में परमेश्वर की अच्छाइयों को आजमाइए, परमेश्वर के समक्ष आइए, अपने आप को समय दें कि मैं अपने जीवन में समय निकालूंगा अपने आप को परमेश्वर में बलवंत करने के लिए। गॉड इज वेरी रियल, परमेश्वर सच है, उसकी प्रेरणाएं, उसकी आवाज़ सच है। परमेश्वर इंतज़ार करता है कि कब आप अपने आप को खोलेंगे। उसका पक्ष आपकी ओर है, आपको फेवर कर रहा है। इनफैक्ट आप जो मुझे सुन रहे हो आज के दिन में, ये परमेश्वर का पक्ष है। परमेश्वर ये चीज़ें आपके जीवन में ला रहा है ताकि इसके बाद एकमात्र उसकी सुंदरता आपके जीवन में झलके। प्रेज गॉड। आज के लिए मेरा समय समाप्त हो गया है। ये समय है, मैं आपको एक मौका दूंगा कि आप अपने धन को परमेश्वर के पास भेंट के रूप में ला सकते हैं, अपने थैंक्स गिविंग ऑफरिंग्स, अपने टाइट्स, अपने फर्स्ट फ्रूट्स। ये समय है प्रभु के राज्य में बोने का, परमेश्वर के राज्य में बीज बोने का, अपनी हिस्सेदारी देने का। बाइबल दिखाती है कि जब हम प्रभु के पास आते हैं खाली हाथ ना आए। सो ये समय है, आप अपने भेंटों को रिलीज़ कर सकते हैं स्क्रीन्स में जो डिटेल्स हैं उन डिटेल्स के अनुसार, और उसी के साथ साथ जैसे आप अपने ऑफरिंग्स देते हैं मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर इन सारे भाइयों और बहनों के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ जो इस वक्त अपने भेंटों को रिलीज़ कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे अपने जीवन में तेरी आवाज़ को और क्लियरली सुन पाए, जान पाए, आत्मा में उन्नति कर पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ एक संपूर्ण समाधान इनके जीवन में आने पाए, और शैतान के बीजों को मैं उखाड़ फेंकता हूँ। ये लोग तेरे हैं, शैतान के नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम को मैं नामता हूँ, और ये प्रार्थना इनके जीवन में यीशु के नाम में करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ वो सारी गवाहियों के लिए जो आपके जीवनों में हो रही हैं। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे बढ़ते रहिए। Jesus said it's more blessed to give than to receive. Jesus said it's more blessed to give than to receive. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.